Hello student, today we will study about lesson number 1st of class 3rd. Name of the lesson is Patterns, subject Math. Question 1st, observe the patterns used in each row and complete the blanks. यानी कि हमें क्या करना है, observe करना है pattern, फिर हमें जो ये blanks दिए हुए हैं उनको complete करना है. तो first है 3 के बाद 4 and 5 को, यानी कि हम 3 प्लस करेंगे, 3 में कितना प्लस कर देंगे, 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6. अब आगे ऐसे भी 3 में, 6 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 9. 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12. 12 में 3 प्लस करते हैं तो 15. इसी तरह इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इनमें क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे. 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आएगा. 18 में 3 प्लस करते हैं तो 21. 21 में 3 प्लस करें तो 24. 24 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 27. इसी तरह 30 आ जाएगा. 30 में 3 करेंगे प्लस तो 33. 33 में प्लस करते हैं 3 तो आ जाएगा 36. इसी तरह बी का दिया हुआ है 80 75. इसमें क्या है, 5 कम कर रहा है, ये देखिए माइनस हो रहे हैं. 5 क्या हो रहे हैं, माइनस. इसमें तो 5 माइनस करेंगे 75. 75 में 5 माइनस करेंगे 70. 70 में 5 करेंगे 65. इसी तरह 65 में 5 माइनस करते तो 60 आ जाएगा. इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे फिल करेंगे इनको. तो 60 में 5 माइनस करते तो क्या आता है, 55. 55 में 5 करेंगे माइनस तो 50. इसी तरह 45, इसमें 5 माइनस करेंगे 40. 40 में 5 माइनस किए 35. 30 इसी तरह आ जाएगा 25. सी का है 1 के बाद 2 आता है लेकिन इसमें 3 कर दिया. 1 में क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है. तो 1 में 2 प्लस कर रहा है. 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, 3. 3 में 2 प्लस करेंगे 5. 5 में 2 प्लस करेंगे 7. 7 में 2 प्लस करेंगे 9. इसी तरह आगे की फिल करेंगे. 9 में 2 करेंगे प्लस तो आ जाएगा 11. 11 में 2 प्लस करेंगे 13. 13 में 2 प्लस करेंगे 15. 15 में 2 प्लस करते हैं तो 17. 17 में 2 करेंगे 19. 19 के बाद 21. इसी तरह 21 में 2 प्लस करते हैं तो क्या जाएगा, 23. अगला है रिवर्स दिया हुआ है 20, 19, 18, 17, 16. इसी तरह रिवर्स में करते जाएंगे. 16 के बाद 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9. सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग एन ऑर्डिनल पैटर्न. ये भी पैटर्न का क्वेश्चन है. तो इसमें देखिए 111, 112, 113, फिर आ जाएगा 114, 115, 116. नेक्स्ट है 569, 570, 571, 572, 573 एंड 574. नेक्स्ट है 621, फिर 621 में कितने प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625.